पोक खान की घिक्की बन गई है। दुनिया के सामने वो रो रहे हैं कि भारत कभी भी बालाकोट स्ट्राइक कर सकता है, पीओके हमसे ले सकता है और कर क्या सकता है। हमें तो ऐसे स्ट्राइक करने की आदत भी है, हमारा एक्सपीरियंस भी अच्छा खासा है एलओसी पार करने का, और हम तो वैसे भी एलओसी पार करने के लिए बेकरार रहते हैं। रही बात स्ट्राइक की, तो वो होगी, जमीन से भी होगी, हवा से भी होगी और समंदर से भी हमारे युद्ध पोत आग उगलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, मैं आजकल देख रहा हूँ कि भारत के जो टीवी चैनल्स हैं न्यूज़ के, वहाँ जनाब बड़ा ही प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि हम पाकिस्तान पर हमला कर देंगे। उसमें कुछ एंकर हैं और फौजी भी हैं, तो वो बेखसूस साफिया ही नहीं है और ना ही वो फौजी हैं, वो असल आरएसएस के गुंडे हैं। ठीक है, तो उनको जो उनके खून में ही बना हुआ है कि हम पाकिस्तान के, उनको पाकिस्तान के नाम से ही चिढ़ा है, वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सोते बैठते उठते जनाब यही कहते रहते हैं कि हम पाकिस्तान से ये कर देंगे वो कर देंगे, वो उनका ख्वाब है। ठीक है, वो कुछ मैं कर देखा है, वो कहते हैं हमें बड़ा एक्सपीरियंस है। मैं कहता हूँ तुम्हें कौन सा एक्सपीरियंस है मुझे ज़रा बताओ तो सही, पीछे से शुरू करूँ 65 से या इधर से जो अभी बालाकोट से। चलें आपको पुरानी याद दिला देते हैं ना कि आप भूल जाते हैं ना बड़े जल्दी। तो 65 में आपने रात के अंधेरे में हमला किया था बड़े टैंकों से और बड़ा जनाब ये वहाँ चित्तर खा गया। अब वो मेरे ख्याल में आपको एक्सपीरियंस हो गया होगा कि कैसे चित्तर खा जाते हैं। वैसे काफ़ी मार पड़ी थी आपको, फिर आपको 99 वो याद दिला देते हैं कैसे हमारे वो मुजाहिदीनों ने तुम्हारे गले काटे थे। वो तो मेरे ख्याल में आपका भारत ही था, एलओसी पार हमने की थी मेरे ख्याल में, याद है ना तुम्हें जनाब, बड़े चीफ को पुकार करके अमेरिका के पास और इधर उधर चले गए थे। तो वो भी मेरे ख्याल में काफ़ी एक्सपीरियंस है तुम्हें। फिर चलें, चलो ये तो पुरानी बात है ना, तुम भूल जाते हो, चलो हम आपको याद करा देते हैं। ये अभी जो बालाकोट नाम नाद की सब्जी का स्ट्राइक किया हुआ, जो हमारा एक हवा मार दिया वो दरख्त दो तीन, जो हमने हमारे दो तीन दरख्त भी तबाह कर दिए, वो तुम्हें सही याद हो गया ना वो, क्योंकि तुम्हारा फौजी हो जो अपने यूनिफॉर्म वगैरह भी वगैरह तो आर्मी है जो तुम्हारी, वो इधर छोड़ कर चले गया है, वो हमारे GHQ में म्यूजियम में लगा हुआ है। चलो चंद दिनों बाद आपको हमारे जो टीवी चैनल है वो दिखाते ही रहते हैं वो यूनिफॉर्म। वैसे तुम्हें आग तो लगती होगी उससे, वैसे काफ़ी एक्सपीरियंस है तुम्हें वहाँ चित्तर खाने का, वो आवाम से भी चित्तर काफ़ी खाए थे तुमने, वो देखा था ना वो वीडियो वायरल हुई थी। तो मेरे ख्याल में ये काफ़ी एक्सपीरियंस है तुम्हें। और अभी तो ऑपरेशन करेगा तो मैं कहता हूँ कि तू रहेगा ही नहीं, ये सर्जिकल स्ट्राइक में जो तेरी हालत हुई है आवाम ने किया है। आज़ाद कश्मीर की आवाम बहुत गुस्से में है भारत के लिए, ठीक है, वो पाकिस्तान के साथ पहले दिन से थे हैं और रहेंगे इंशाल्लाह। भारत ये तेरा ख्वाब कभी पूरा होने वाला नहीं है, तो अकलीतों के जो साथ जुल्म कर रहा है ना भारत में, वो सारी दुनिया देख रही है, तो पहले वो संभाल ले। अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, मार खाने का एक्सपीरियंस है तुम्हें और कुछ नहीं है। मेरे ख्याल में आज के लिए आपके लिए एक्सपीरियंस काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि चित्र अगर बढ़ा दिए जाए ना तो वो मज़ा नहीं रहता। इंशाल्लाह आस्ता आस्ता हम आपको रोज़ के चित्र मारते रहेंगे और आपका एक्सपीरियंस अच्छा खासा है जो उसको ताज़ा करते रहेंगे। ठीक है, आखिर में ये मोदी को मैं कहता हूँ कि आप मज़ीद भारत की आवाम को बेवकूफ़ ना, और आफरीन है मुझे भारत की आवाम पर भी जो अभी तक इसका जो ये चोरन है बेचा जा रहा है अभी भी जनाब, ये भारत इस पर यकीन कर रहे हैं भारतीय। तो अब जागने का वक्त है भारत के जो लोग हैं उनको भी मैं कहता हूँ कि आपने हकूक के लिए उठें, आपने हकूक के लें, ठीक है। और ये मोदी का जो झूठा प्रोपेगेंडा है कि हम भारत के पाकिस्तान पर हमला कर देगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा, ये भारत के बस में नहीं है और ना ये कर सकता है, ठीक है, ये सिर्फ आपको उल्लू बनाया जा रहा है। तो बेहतर यही है कि आप अपने फ्लाई कामों के लिए इससे कहें कि वो करें, और ये पाकिस्तान का जो है ना हमले वाली ख्वाब है इसको, ये ख्वाब तो ख्वाब ही रहेगा, ये तो पूरा होने वाला नहीं है। ऐसा ना हो कि इस ख्वाब के चक्कर में ख्वाब को पूरा करते करते
जो भारत है वो भी याद से चला जाए, तो यही आपके लिए अच्छा है। ठीक है, अपनी आवाम को उल्लू ना बनाएं और ये ख्वाब देखना छोड़ दें, ये आपके लिए नुकसानदेह साबित होगा। और जो कश्मीर में मकबूजा कश्मीर में तो कर रहा है, इंशाल्लाह वो दुनिया देख रही है और बहुत जल्द वो कश्मीर आज़ाद होकर पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। फी अमान अल्लाह।